हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ टूर। मैं आज एक पुरानी लोकेशन पे आया हूँ, जिस लोकेशन पे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस जगह को मैंने पहले विजिट किया, इस जगह मैं और राम भाई दोनों आए थे। इस जगह के बारे में मुझे बहुत पहले राम भाई ने बताया था, और अर्ली मॉर्निंग मेरे पास ये हमारे एक सब्सक्राइबर है यहीं से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस जगह के बारे में। इन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा एक मॉर्निंग में हादसा हो गया भैया। यहाँ क्या हादसा हुआ था कल रात? तो भैया यहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे थे। ओके। वर्कर काम कर रहे थे तो ये सफाई वगैरह का काम हो रहा था। हाँ, ये सफाई वगैरह का काम हो रहा था। यहाँ पे जेसीबी चल रही थी। ओके। जेसीबी चल रही थी, हम लोगों ने हम लोगों ने पहले पहले कह दिया था कि यहाँ पे वो। अच्छा, आप लोगों ने मना कर दिया? मना कर दिया। यहाँ पे आप ये जो कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ ना करें। ना करें वो। okay. यहाँ पे ये भूतिया है, भूतिया करे यहाँ पे। okay. यहाँ पे ये शराबी थे ये। okay. तो हमने तो पहले ही मना कर दिया था, तो वो बिल्डर ने मान नहीं रहा था। तो हमने भी कहा था, वो माना ही नहीं। माना मतलब आपने उस जो बिल्डर था, जो भी ये प्रॉपर्टी डीलर था, उसको आपने समझाया, बट वो माना ही नहीं। माना नहीं। तो कल सुबह की बात है। okay. तो वो जेसीबी से एक वर्कर काम कर रहा था। ओके। वो जेसीबी अनकंट्रोल होके वो दूसरी लेबर के ऊपर चढ़ गई। ओके। तो दोस्तों हुआ ये कि जब यहाँ पे कल मॉर्निंग में, जब यहाँ दिन में जब काम चल रहा था, गांव वालों ने पहले ही मना किया उस डीलर को कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ये जगह जो शापित है। मैं यहाँ पे पहले भी आके गया हूँ, मैं और राम भाई दोनों आए थे इस जगह को विजिट करने के लिए। और कल सुबह यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ कि एक जेसीबी थी अनकंट्रोल होकर एक लेबर के ऊपर चढ़ गई, जिससे उस लेबर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैं पहले भी इनसे मिलके गया था, कॉन्टेक्ट नंबर थे इनके पास, तो इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कल रात को। और मैं अर्ली मॉर्निंग, हमारे भाई है ये पास में रहते, तो इन भैया को मैंने बोला, अकेला था तो मैंने भैया को बोला कि भैया आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, एक जगह है वो लोकेशन विजिट करनी है, तो भैया को भी साथ लेके आया हूँ मैं। और इस जगह की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरा ओल्ड वीडियो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसकी सारी कहानी ऐसी थी कि एक लड़का लड़की थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों की बंदिश के कारण उन लोगों को भाग के कोर्ट मैरिज करके शादी करनी पड़ी। घर वालों ने एक्सेप्ट किया नहीं, तो वो लोग, ये एक सेकंड भाई इधर करना कैमरा, ये जो लाइटें देख रहे हैं, ये जस्ट पास में हाईवे, नेशनल हाईवे है, तो वो जो लाइट है वो बहुत बड़ी एक कंपनी है, बहुत बड़ी। इसी कंपनी के अंदर वो जो लड़का था वो यहीं काम करता था। लड़की जी हाउसवाइफ थी, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद में ये हुआ कि कुछ टाइम बाद में उस लड़के ने बहुत ही गलत लोगों का साथ पकड़ लिया, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। धीरे धीरे उसको भी नशे की आदत लग गई, फिर वो घर पे आता, अपनी वाइफ को के साथ मारपीट करने लग गया। फिर बाद में एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि नशे की हालत में उसने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया और बोतल सर पे फोड़ दी। इसी कारण लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। केस वगैरह भी हुए, लड़का जेल में है, लेकिन लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद में आज भी इसी जगह, इसी घर में उस लड़की की आत्मा आज भी भटकती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत से हादसे भी हुए हैं। बिल्डर की लापरवाही के कारण, उसकी जिद के कारण आज एक वर्कर ने अपनी जान गंवा दी। और भाई आगे एक बार उस जगह को विजिट करते हैं। भाई तो नहीं देखना भैया, मैंने आपको कुछ सुरक्षा कवच दिया ना, आप निश्चिंत रहो, मेरे साथ चलिए आप। नहीं भैया, यहाँ पे गांव वाले बहुत सारे आए, गांव वालों ने देखा है रात में। भैया आप मेरे साथ चलो, मैं साथ हूँ ना, मैंने आपको सुरक्षा कवच दिया, वो बस अपने पास रखना, उसको दूर मत होने देना। ये धागा वगैरह आपके हाथ में बांधना ना, इसको आप बस अपने पास रखना। हाँ, आप मेरे साथ चलो भाई, समझ करें ना। हार्दिक भैया मुझे भी बहुत डर लगा। आप मेरे साथ रहो, बस चारों तरफ नज़र रखना, नज़र एकदम हटनी नहीं चाहिए, चारों तरफ नज़र होनी चाहिए। दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये जो टायर्स बने हुए, ये उन्हीं मशीनों के जो यहाँ काम करने आई थी, जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह जो भी थे। और आगे थोड़ा आगे आइए भाई, ये जो पिलर्स लगे हुए, इतना ही काम हुआ, स्प्रॉटिंग हो रही थी, इतना ही काम हुआ, उसके बाद में काम बंद हो गया, क्योंकि कल मॉर्निंग में यहाँ एक वर्कर की डेथ हो गई, तब से बिल्कुल बंद हो गया। आ जाओ
पूरा ध्यान रखना है, चारों तरफ बैठना है। ये पिलर ऐसे कैसे अभी भी लगे हुए हैं, यहीं पे काम चल रहा था जस्ट। ये जो वो घर है ना, यही वो घर है, ये हॉन्टेड हाउस है। और ये इसका दायरा है, इससे अंदर देखो अभी तक सफाई भी नहीं की गई, क्योंकि जैसे मशीनें इसके अंदर जाती थी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी। भैया मुझे लग रहा है, मुझे लगता है बहुत दिनों से उसकी सफाई नहीं है। बिल्कुल भाई, यहाँ कोई नहीं आता, भैया ने बताया नहीं आता है यहाँ पे, यहाँ पे हाथ में रखी है खराब की तरह। उसको नीचे एक बार नीचे दिखाना भाई, कैसे काटे पड़े पेड़ वगैरह जो ऐसे कैसे उगे हुए हैं। वहाँ तक सफाई की गई थी, यहाँ अभी सफाई भी नहीं की गई, क्योंकि यहाँ अंदर जैसे ही कोई मशीन अंदर आती इन पेड़ों को उखाड़ने काटने के लिए, तो अपने आप ही मशीनें बंद हो जाती। इसी कारण आज एक वर्कर की जान चली गई। अरे भाई वो क्या है, भाई वो क्या चीज थी, उधर उधर करना भाई, क्या भाई इधर आना भाई, इधर आओ, इधर आओ, आ गया आ गया, कैमरा लेके भाई वो चीज कहाँ गई, इधर आना भाई।